पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 में आज सुबह तानसी ऑर्गेनिक केमिकल में अचानक भीषण आग लग गई। आग से कंपनी के कार्यरत एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए इंदौर के MY हॉस्पिटल भिजवाया गया है। घायल का नाम रामप्रसाद बताया जा रहा है। केमिकल प्लांट होने के चलते देखते ही देखते आग ने काफी विकराल रूप ले लिया। वहीं कंपनी में रखे केमिकल से भरे ड्रमों का लगातार धमाका हो रहा है। आग की लपटें इतनी विकराल है कि आकाश में 50 मीटर ऊपर तक उठ रही है। दमकल का सूचना मिलते ही दमकल का दल और पुलिस बल मौके पर पहुंचा व आग पर काबू करने के प्रयास शुरू किए। जानकारों ने बताया कि कंपनी परिसर में ड्रमों में रखे केमिकल के कारण आग पर काबू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये सर, ये सेक्टर नंबर 1 में आग लगने की सूचना मिली थी। प्लांट सेक्टर में फायर हुआ, तो हम तत्काल मई दल के साथ रवाना हुए और यहाँ के स्थानीय कर्मचारी को बताया कि केमिकल का प्लांट बताया, तो उसमें से हमारा काम चल रहा है सर। लेकिन यहाँ का कोई कर्मचारी नहीं है, होने के कोई काम अभी बाकी जानकारी बाद में मिलेगी। अभी हम अभी तो आग बुझाने में लगे हुए हैं। दमकल की कितनी गाड़ियाँ पहुँच गई? 5-6 गाड़ी लगे थे। आपका नाम? SS मेड़ा। पीथमपुर सेक्टर 2 में तानसी एग्रोकैम की कंपनी है, इसमें आग लगी हुई है जिसके बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, जिसको MYH इंदौर भेजा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।